हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आलू और गेहूं के आटे से नाश्ता तैयार करेंगे। तो आलू देखिए हमने बॉयल ले लिया है, इधर रख दिए हैं। पैन गरम हो रहा है, इसमें हम सरसों का तेल डाल रहे हैं। तेल हमारा तब तक गरम होता रहे इसमें हम जीरा ऐड कर दे रहे हैं। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर दे रहे हैं। ये देखिए प्याज अच्छे तरीके से ब्राउन हो गया, इसमें हम हरी मिर्च ऐड कर दिए हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे हरा प्याज बारीक कटा हुआ। इसको अच्छी तरीके से हम चला ले रहे हैं ताकि ये प्याज अच्छी तरीके से इसमें पक जाए। तो इसको लगभग बराबर चलाते हुए 2 मिनट हो जाए। इसमें हम आलू ऐड करेंगे। आलू इस तरीके से हमने मेज लिया है, देखिए। इस तरीके से हम इसको चला दे रहे हैं। देखिए इसको जो बड़ी बड़ी आलू है इसमें तो हम चम्मच से दबा के बराबर कर ले रहे हैं एक साइज का। इसमें ऐड कर रहे हैं 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच मिर्चा दरबरा कुटा हुआ लाल, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/4 स्वाद अनुसार नमक। ये देखिए हमने डाल दिया है नमक। अब इसको अच्छी तरीके से हम चला ले रहे हैं। आलू इस तरीके से हम बराबर दबा के कर ले रहे हैं जो छोटी बड़ी है एक साइज की हो जाए। इसमें ऐड कर दे रहे हैं हरी धनिया, अब इसको हम रख दे रहे हैं ठंडा होने के लिए। देखिए ये आलू मसाला बन गया। इधर हम आटा लगा के रख दिए थे तो आटा हमारा इस तरह एकदम सॉफ्ट हो गया है। इसको लोई हम बना लिए हैं, देखिए। ये पूड़ी से हल्की बड़ी लोई हमने लिया है, इस तरीके से बराबर बेल लिया है रोटी जैसे। अब इसमें जो मसाला तैयार करके रखे हैं उसको इस तरीके से रखेंगे चम्मच से। अब इसमें इस तरीके से चीज़ लगाएंगे हम। चीज़ लगा के इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर दे रहे हैं। ये आटा है तो अच्छी तरीके से चिपक जा रहा है। ये देखिए इस तरीके से मोड़ दिए हैं इसको हम। इसी तरीके से हम और बना लिए हैं। ये तेल देखिए गरम है, नॉर्मल गरम है, इसको हम डाल दिए हैं। इस तरीके से हम पलट दिए हैं, देखिए अच्छी तरीके से पक गया है। ये नाश्ता 2 मिनट में बन के रेडी हो गया है, देखिए। ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है, बच्चे बड़े सभी इसको पसंद करते हैं। ये देखिए हमारा नाश्ता देखिए इस तरीके से बन के रेडी हो गया है। आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। सभी भाई बहनों को नमस्कार और धन्यवाद।